गाइस वेलकम यू ऑल इन इंजीनियर साहिल का ज्ञान। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नई प्लेलिस्ट डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इस वीडियो के अंदर इमेज क्या होती है, डिजिटल इमेज क्या होती है और प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हैं इमेज की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इमेज जैसा कि आप जानते हो, सिंपली अगर इमेज की बात करूँ मैं तो इमेज हमारी दो टाइप की होती है। पहली कौन सी होती है, पहली होती है हमारी एनालॉग। एनालॉग से क्या होता है, जो भी आप जैसे सीनरी देख रहे हो वो आपकी एनालॉग हो गई, जैसे कि आप मोबाइल के अंदर देख रहे हो तो वो आपकी एनालॉग हो गई। लेकिन डिजिटल कौन सी होगी, जो 0101 के फॉर्म में होती है वो डिजिटल होती है। तो यहाँ पर अपना कोर्स के अंदर क्या है, डिजिटल इमेज। तो अपन फोकस करेंगे ओनली डिजिटल इमेज के ऊपर। तो देखो ये प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले क्या होता है, अपन कोई भी चीज़ को कैप्चर करते हैं, ठीक है, कैप्चर किया अपन ने, वहाँ पर इसके बाद ये जाती है प्रोसेसिंग के अंदर। आपने अपने कैमरा से इसको कैप्चर किया, वहाँ पर ये प्रोसेस होगी और वहाँ से डायरेक्ट जाएगी डिस्प्ले पे जो आप देखते हो। यहाँ पर ये होती है एनालॉग में, प्रोसेस के अंदर डिजिटल में, फिर डिजिटल से वापस यहाँ पर एनालॉग में। तो आप यहाँ पर डिस्प्ले में ये चीज़ देख पाते हो। तो यहाँ पर कैप्चर होकर यहाँ पर प्रोसेस और प्रोसेस से यहाँ पर आप डिस्प्ले में इसको देख पाते हो। तो एक्चुअली डिजिटल इमेज होती कैसी है, तो देखो बताता हूँ। जैसे कि आपके टीवी है, नॉर्मली आपके घर में टीवी होता है, तो टीवी के अंदर क्या होता है, रिजोल्यूशन के टाइम अपन रिजोल्यूशन देखते हो, छोटे छोटे जो होते हैं पिक्सल्स। क्या होता है इमेज एक्चुअली क्या होती है, मैं बताता हूँ आपको। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स। कलेक्शन ऑफ किसका, पिक्सल्स का कलेक्शन क्या होता है, इमेज होती है। तो अब पिक्सल क्या होते हैं भैया, तो देख लो पिक्सल बता देता हूँ। पिक्सल क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, ये होता है पिक्सल, देख लो। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज। तो पिक्सल को एक्चुअली बोलते हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू। तो देखो पिक्सल के अंदर क्या होता है, RGB होता है, RGB यानी तीन कलर होते हैं। इन तीन कलर से ये मिलियंस ऑफ कलर्स बना देते हैं, यानी कि आपको करोड़ों कलर ये RGB बना देते हैं, ताकि आप अपने डिस्प्ले जब भी देखो अपनी टीवी के तो मल्टीपल कलर्स आपको दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये तीन कलर का कॉम्बिनेशन ही होता है, मिलियंस ऑफ कलर बन जाते हैं। तो यही होता है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज पिक्सल, और कलेक्शन ऑफ पिक्सल आपकी डिजिटल इमेज बन जाती है। तो यहाँ पर कैप्चर हुआ, यहाँ से प्रोसेस हुआ, प्रोसेस से आपका यहाँ पर डिस्प्ले को आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन प्रोसेस में आखिर ऐसा क्या होता है कि ये एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल तो दोबारा एनालॉग कन्वर्ट कर देता है, तो वो चीज़ देख लेते हैं अपन। तो प्रोसेसिंग भी अपन कई तरह से यूज करते हैं। अपन अपनी पिक्चर की क्वालिटी को बढ़िया करने के लिए, अपनी फोटो अपनी इमेज को बढ़िया करने के लिए उसको एडिटर में डाल के और अच्छा प्रोसेस। तो वहाँ क्या हो रहा है, इमेज प्रोसेस होकर आपको बढ़िया। अब आजकल क्या होता है, कैमरे आ रहे अपने AI पोर्ट्रेट के, तो AI वहाँ पर यूज किया जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके आपकी फोटो को इतना सुंदर कर देते कि एक्चुअल लाइफ में आप ऐसा दिखते ही नहीं हो। तो वहाँ पे एक्चुअली क्या हो रही है, वहाँ पे वही प्रोसेस हो रही है वहाँ पर। अगर दूसरी चीज़ देखें, अपने मोबाइलों में बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट के ऑप्शन देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट जानते हो ना, तो जो आपके फ़ोन के अंदर आपने ये लगाया अंगूठा और चार लटा, आपका एक सेकंड के अंदर अंदर ओपन हो जाता है, आपका फ़ोन एक्सेस मिल जाता है आपको। तो ये एक्चुअली कैसे काम करता है, ये वर्क करता है अपना इमेज प्रोसेसिंग पर। कैसे करता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने वहाँ पर अपनी सेटिंग में जाके अपना फिंगरप्रिंट दे देते हो आप, लाइक, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इसकी एक इमेज बना के रख लेता है। अब जब आप एक्सेस के टाइम अपना फिंगर लगाते हो वहाँ पर, तो ये क्या करता है, इस फोटो को तो डेटाबेस में डाल के रख लेता है ये। अब जब आप एक्सेस के टाइम आप यूज करते हो ना, तो ये क्या करता है, इस फोटो से मैच करेगा आपके एक्सेस को। अगर 90% अगर आपका एक्सेस मैच हो गया, आपकी फिंगर उस फिंगर से मैच हो गई, उस इमेज से मैच हो गई, इस इमेज प्रोसेसिंग करता है उस टाइम, और उस इमेज से अगर मैच हो जाएगा तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, आपका फोन ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार फिंगरप्रिंट में भी आपको इमेज प्रोसेसिंग देखने को मिलती है। तो आखिर इमेज में ऐसा होता क्या है प्रोसेसिंग में, तो इसमें दो चीज़ होती है, एक तो होती है आपकी सैम्पलिंग, ठीक है, एक होता है आपका क्वांटाइजेशन। दोनों बताऊंगा, ध्यान से सुनना, क्वांटाइजेशन। तो दोनों ही बढ़िया टॉपिक है, अभी ले रहा हूँ बस जस्ट। अब देखो यहाँ पर ये डायग्राम है, सिंपली आपकी इमेज है, इसे मान लो कंसीडर करो। अब इसमें सैम्पलिंग कैसे होगी और क्वांटाइजेशन कैसे होगा और दोनों को क्यों यूज करना पड़ रहा है वो बताऊंगा। सिंपली ये सबसे पहले क्या करता है, कंटिन्यूअस टाइम के अंदर डिस्क्रीट वैल्यू को फाइंड आउट करता है। तो कैसे करता है कि ये लाइन है, केवल एक लाइन की बात करूँ, पूरी इमेज की बात नहीं कर रहा, केवल ये लाइन है ना, इसी लाइन के पॉइंटों की बात करेंगे अपन, तो इसी पे फोकस करना। सबसे पहले क्या आ रहा है, व्हाइट, तो ये देखो यहाँ पर आ गया व्हाइट, ठीक है। उसके बाद ब्लैक 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 ब्लैक, धीरे धीरे आ रहा है ब्लैक, तो ये धीरे 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 डाउन हो जाएगा, ठीक है, हो गया डाउन। अब इसके बाद क्या, अचानक से क्या हुआ, इसमें बीच में स्पेस आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता, तो ये चल गया व्हाइट, और कितना व्हाइट है वो व्हाइट जाता रह जाता रह जाता। अब दोबारा यहाँ पर क्या आ गया, ब्लैक आ गई, तो ब्लैक इमेज आ गई, तो धीरे 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 ब्लैक आ गई, और दोबारा आगे व्हाइट है, तो ये लो भाई एकदम से व्हाइट चला गया। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा सिग्नल्स की प्रोसेसिंग है, करोड़ों मान लो ऐसे पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये डिस्क्रीट वैल्यू के अंदर ये काम करता है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, इस केवल इस लाइन की यहाँ पर स्कैनिंग की गई है, क्या की गई है, स्कैनिंग हुई है। यहाँ पर स्कैनिंग होते ही यहाँ पर एक प्रोसेस होती है अगली, वो होती है सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग क्या होती है, स्कैनिंग का नेक्स्ट पार्ट है। वो क्या करता है, यहाँ पे देखता है कि ये जो है इनका एक एक पॉइंट को क्या करता है, डिस्पर कर देता है, अलग अलग पॉइंट में ले लेता है, पॉइंट में लेता है। तो यहाँ पर व्हाइट के लिए ये हो जाता है, और अपना ब्लैक के लिए ये हो जाता है, व्हाइट के लिए ये हो जाता है, ब्लैक के लिए ये हो जाता है, और व्हाइट के लिए ये हो जाता है, और बीच में जो है उनके लिए ये पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो चीज़ कर रहा है वो इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा है, अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स में कर रहा है स्कैनिंग वालों को, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग। एक तरह से सैंपल ले लिया उसका, राइट। अब सैम्पलिंग का ही क्या होगा, क्वांटाइजेशन होगा। क्वांटाइजेशन अपन साइन कोस थीटा इनमें पढ़ते हैं ना, सेम वही चीज़ होने वाली। वो कैसे होगी देखो, यहाँ पर
ये देखिएगा व्हाइट है, व्हाइट के लिए एक, उससे पहले एक चीज सॉरी, यहाँ पर ये लेके चलता है इंडेक्स, उसको बोला करते हैं ब्लैक, लाइट ब्लैक, ग्रे, लाइट ग्रे एंड देन फाइनली आपका व्हाइट। तो ये देखता है ये आपका व्हाइट है, सबसे पहले देखता है ब्लैक, ब्लैक कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लैक का आ गया, ठीक है, लाइट ब्लैक थोड़ा और ऊपर आ गया, ठीक है, ग्रे थोड़ा और ऊपर आ गया, व्हाइट थोड़ा और ऊपर आ गया, राइट। इसी प्रकार यहाँ व्हाइट, ब्लैक, ब्लैक, ये व्हाइट, ये लाइट व्हाइट, ये आपका व्हाइट, ये लाइट ब्लैक है सॉरी, और ये आपका लाइट ग्रे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो मतलब यहाँ पर मिलियंस ऑफ पॉइंट है, अगर इनको अपन डेटाबेस में स्टोर करने चले ना तो भैया टाइम पूरा गया, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। लेकिन अगर अपन ने इसको क्वांटाइजेशन कर दिया गया है अगर इमेज का, तो यहाँ पर देख सकते हो कितने पॉइंट है कुल मिला के, लेस देन 15, कितने हैं, बहुत कम है ना। तो यहाँ पर इसको स्टोर करना बहुत ईजी हो जाता है और प्रोसेसिंग इसकी बहुत ईजी हो जाएगी और इतनी फास्ट होती है, अपन को पता है जैसे अपन फोटो क्लिक करते हैं वैसे अपन को डिस्प्ले में शो होने लग जाती है। तो इतना फास्ट काम कैसे हो रहा है, क्योंकि अपन यहाँ पे क्वांटाइजेशन और सैम्पलिंग कर लेते हैं जिसके थ्रू अपना काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग हमको देखने को मिलती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें और प्लेलिस्ट को जरूर जरूर शेयर करें।